हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों मैं बताऊंगा हरियाणा के अंदर और वैकेंसी आई है, अभी उसका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में इस वीडियो में। उससे पहले बता देता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें और इसके बाद में जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत प्राप्त होगा। तो ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलां सोनीपत हरियाणा के अंदर, इसके अंदर निकली हुई है वैकेंसी, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अंदर है कंट्रोलर, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर और काफ़ी सारी पोस्टें निकली हुई है। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bpswomenuniversity.ac.in। तो बात करते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये जो हमारे सामने ओपन है ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिन्होंने वेबसाइट पर आज अपलोड किया है। इसके अंदर दिया हुआ है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत हरियाणा, और इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो है नॉन टीचिंग पोस्ट की, यानी टीचर की भर्ती नहीं है, नॉन टीचर की पोस्टें हैं सारी की सारी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो R01 जनवरी 2019, और जो ये फार्म भरने की क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट एप्लीकेशन फार्म की, वो है 7/2/2019, यानी 7 फरवरी को 5 बजे तक इनका जो फार्म है वो आप भरकर जमा करवा सकते हैं। इसके बारे में इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि वैकेंसीज किस चीज़ की है। यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे उनका पे स्केल दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन की पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट दे रखी है जनरल कैटेगरी की है, इसका ये पे स्केल दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइब्रेरियन की पोस्टें दे रखी है, और यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की पोस्टें दे रखी है, इंजीनियर की पोस्टें हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्टें दी हुई है। इसमें एक एक या दो दो पोस्टें हैं सारी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लेना फार्म भरने से पहले। यहाँ पे है ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्टें, एक पोस्ट है वो भी जनरल की, ड्राफ्टमैन सिविल की एक पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी की है। नेक्स्ट है डिविजन अकाउंटेंट की, इसकी भी एक पोस्ट दे रखी है जनरल कैटेगरी की। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 6 पोस्टें दे रखी है, और इसमें जनरल कैटेगरी की 4 है, एससी की 1 है, बीसीए की 01। ड्राइवर की पोस्टें दे रखी है 2, और जो क्लर्क की पोस्टें दे रखी है वो 13 पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट है इसके अंदर। स्टेनोटाइपिस्ट की क्लर्क की है 16 पोस्टें, जनरल की 9 पोस्टें। इसके बाद में लैब अटेंडेंट की 21 पोस्टें, जनरल कैटेगरी की 10 पोस्टें, और इनका ये पे स्केल दे रखा है। इसके बाद में है हॉस्टल अटेंडेंट की 2 पोस्टें, उसके बाद में अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट है 1, टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट, सुप्रीडेंट की 2 पोस्ट, और सिलेक्शन ऑफिसर की 1 पोस्ट, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट, और टेक्निकल ऑफिसर की 1 पोस्ट। तो दोस्तों अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ ले, उसके बाद ही फार्म को अप्लाई करें। यहाँ पे रीजनल सेंटर है इसका रेवाड़ी के अंदर, तो इसके अंदर भी असिस्टेंट रजिस्टर्ड की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, लिब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, कलरकम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 पोस्ट है, सुप्रीडेंट की 1 पोस्ट दे रखी है। इनका ये पे स्केल यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रीजनल सेंटर जींद है, इसके अंदर भी उन्होंने पोस्टें दे रखी है, कंप्यूटर असिस्टेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट की, डाटा कम क्लर्क एंट्री डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके बाद में क्लर्क की है, लैब अटेंडेंट की है। ये सारी पोस्टें हरियाणा की है दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की। इसका फार्म भर सकते हैं। अगर आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया है, उसके आगे यहाँ पे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो लाइब्रेरियन के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से मांग रखी है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए CA MBA, इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, और ये असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांग रखी है। सारी क्वालिफिकेशन आप इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये ड्राइवर की है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर की है, मैट्रिक क्लास मांग रखी है, इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, क्लर्क में ग्रेजुएशन मांग रखी है 50% नंबर से, स्टेनोटाइपिस्ट की भी है। इसकी जो काफ़ी सारी पेज यहाँ पे दिए हुए हैं नोटिफिकेशन के, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं।
ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट सारी चीज़ आपको देखना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट का, यहाँ पे 18 से 50 साल तक एज है वो कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट लगेगा वो 500 रुपये का लगेगा, एससी बीसी कैंडिडेट है उनके लिए 125 रुपये का है। और जो ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये मैं बता देता हूँ, ये फॉर्म है जो ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये ऑफलाइन फॉर्म है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए, सभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी फोटोकॉपी, हरियाणा का डोमोसाइल, अगर आपकी जाति एससी बीसी है तो उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके सिग्नेचर किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है इसी के अंदर ही उनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है लास्ट पेज पे, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जो 6 मंथ से पुराना ना हो, यानी 6 महीने से पुराना फ़ोटो या नहीं लगाया जाएगा, नया फ़ोटो लगाना है आपको। यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है एप्लीकेशन नंबर को। यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसका अमाउंट, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर और कब आपने कटवाया था उसका तारीख, आगे आपका नाम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे कॉलम इसके फिल करने हैं दोस्तों। इसके बाद में इस फार्म को जमा करवाना है दिए गए एड्रेस पे। जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसमें इसका एड्रेस दिया हुआ है, इसके पीछे सारी फोटोकॉपी लगानी है और डिमांड ड्राफ्ट है वो ओरिजिनल इसके साथ लगाना है। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है 7/2/2019। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। जैसे ही बेल आइकॉन पे आप क्लिक करोगे जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा।